Hey guys, what's up? Welcome back to your own channel, Deepak Yadav, IAS Academy. Welcome to the daily IAS exam dose. आज है तारीख 22 अक्टूबर 2020. आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. और यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर के साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि कौन सा करंट अफेयर आपके कौन से यूपीएससी सिलेबस में कौन से टॉपिक से लिंक होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे यूपीएससी एग्जाम में. नाउ अब आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो फिर आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डेली इस लेक्चर की. कहाँ से डाउनलोड करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो और जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लो. डेली आप पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से डेली आप द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड करो. ओके, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा. ओके, इस चैनल के साथ एक और यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी जाके एक बार घूम के आना और देखना वहाँ पे कितने इंटरेस्टिंग वीडियोज डली हुई है. ठीक है, पसंद आए तो वहाँ पे भी चैनल को उसको भी सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना. बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर. नाउ फर्स्ट आर्टिकल हमारा क्या बोलता है, फर्स्ट आर्टिकल हमने पीआईबी से लिया है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और आपको पता होना चाहिए जो हेल्थ का टॉपिक है वो हमारे किस में आता है, जीएस पेपर 2 के अंदर. ओके, नाउ अब हम बात करें ये आर्टिकल बेसिकली एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है जिसका नाम है क्योर्ड. अब हम क्योर्ड कह ले रहे हैं इसे, ये वेबसाइट को लॉन्च करा गया है. इसकी फुल फॉर्म CSIR, अशर्ड रिपर्पस ड्रग. इस वेबसाइट को लॉन्च करा गया है, यूनियन हेल्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने इसको लॉन्च किया है, इसी के बारे में बात करी गई है. ओके, 20 अक्टूबर को ये वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, यानी कि अभी आप घूम के आओ गूगल पे वेबसाइट पे देखो, वेबसाइट ये ओपन करके देखो, आपके लिए ओपन हो सकती है वेबसाइट. ओके, तो जो ये वेबसाइट है बेसिकली है किस चीज़ के बारे में, यहाँ आपको आपको ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू आपको नॉलेज दी जाएगी जो न्यूमरस नंबर ऑफ कोविड 19 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज वगैरह वहाँ पे सारी की प्रोवाइड कर दी गई है. CSIR हमारा बेसिकली है क्या, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना. और इसकी क्योर की फुल फॉर्म भी इसमें CSIR इंक्लूड है, CSIR अशर्ड रिपर्पस ड्रग्स इसकी वेबसाइट का नेम है. यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप लोगों को जो भी ड्रग्स हैं यानी मेडिसिन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डायग्नोस्टिक्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो डिवाइस यूज़ करे जा रहे हैं आज के टाइम पर, ठीक है, ट्रायल्स के लिए, उन सब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. यानी कुल मिला के जो कोविड 19 के लिए पूरी की पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप जाकर वहाँ से अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं. नाउ आता है हमारा सेकंड आर्टिकल भी हमने पीआईबी से लिया, ये भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हेल्थ आता है हमारा जीएस पेपर 2 के अंडर में. अब हम बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली बात हो रही है एसटीएच की. अब इसकी फुल फॉर्म देखें, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिनिथियसिस, ठीक है. यहाँ पर ये एक आप कह सकते हो इसमें इसके अंडर में स्पीशीज आती हैं, ढेर सारी प्रजातियाँ आती हैं किस चीज़ की, वॉर्म्स की, ठीक है, वॉर्म्स की, जो आपको पता होगा कीड़े वगैरह होते हैं लंबे लंबे से. और ये अलग अलग स्पीशीज हैं, इनके नाम भी देख लो, पहले हमारा राउंड वॉर्म्स, विप वॉर्म्स और हुक वॉर्म्स. अब बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये जो तीन वॉर्म्स हैं, ठीक है, इसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है हम लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को आपको पता होगा पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना, पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो बच्चे की उससे ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चे को खाना नहीं लग पाता उसके शरीर में, क्योंकि वो पेट में कीड़े हैं उसके, वही सारी चीज़ें खा लेते हैं, है ना, उसे बहुत परेशानी भी होती है. तो वो जो पेट में कीड़े हैं उसको यहाँ पर उसी के इन्फेक्शन के बारे में बात हो रही है. और बोला जा रहा है कि जो वो इन्फेक्शन है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिथियसिस है, ये रिड्यूस होता हुआ नज़र आया, यानी कि जो आप कह सकते हो पेट में जो कीड़े वाला इन्फेक्शन देखा है, पेट में जो बच्चों के कीड़े हो जाते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ देखा है, कम होता हुआ देखा है. और 9 राज्यों में तो हमने देखा कि पूरी तरह से बहुत ही तेज़ी से जो ये एसटीएच बहुत ही तेज़ी से गिर चुका है. ओके, नाउ इसके बारे में हम बात करें तो जो ये एसटीएच है इसे हम लोग पैरासिटिक इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं. जी, इसका नाम ये है. ओके, मुझे याद नहीं आ रहा था अभी. पैरासिटिक इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में आपके जो है ये वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में काफ़ी सारे कीड़े वगैरह जो हैं हो जाते हैं, है ना. तो यहाँ पर इसके बारे में बात करी गई है. अब जो ये वॉर्म इन्फेक्शन हो जाते हैं इसकी वजह से जो बच्चा है उसकी फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती, बच्चा फुर्तीला नहीं हो पाता, ठीक है, वेल बींग नहीं हो पाता, ठीक है, उसे एनीमिया हो जाता है, अंडर न्यूट्रिशन रहता है, उसके शरीर में खाना नहीं लग पाता उसकी उन कीड़ों की वजह से. तो ये जो है इन्फेक्शन हम लोगों को कम होता हुआ नजर आया है, बेसिकली इसी के बारे में बात करी गई. कितने कितने परसेंट कम हुआ है इसके बारे में बात करी गई, ये परसेंट मत देखो, परसेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बारे में ज़रूर जान लेना. और मैंने आपको यहाँ पर ये दे भी दिया, ठीक है, ये पिक्चर भी दे दी है कौन कौन से ये स्पीशीज़ हैं इसकी, हेलमिथिस स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, राउंड वॉर्म, विप वॉर्म एंड हुक वॉर्म. ओके, इसके इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो साइंटिफिकली नेम है एस्केरिसिस लुम्ब्रिकोट्स, और उसके बाद यहाँ पर यह ट्रिकेरिस ट्रिक्यूरिया, और उसके बाद निकेटर अमेरिकनस, और यहाँ पर एनक्लोस्टमा और ड्यूडेनल, इनके यहाँ पर ये नेम भी हैं, आप इनको भी याद रख सकते हैं. खैर, बढ़ते हैं आगे, और ये हो गया हमारा आर्टिकल कम्प्लीट.
नाउ आते हैं हम लोग तीसरे आर्टिकल के ऊपर, ये हमने लिया है AIR से, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है हमारा जीएस पेपर 2 में, यानी कि अभी तक हमने तीन आर्टिकल कवर किए, तीनों जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, आपको ये पता होगा जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं, चुनाव वगैरह होते हैं, तो उसमें कितना धड़ाधड़ पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये यहाँ पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर बताया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन कौन सी बॉडी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्शंस वगैरह को इंडिया में कंडक्ट कराती है, ठीक है। जो इलेक्शंस कंडक्ट कराती है वो कौन कराती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसने जो है यहाँ पे बताया कितना अमाउंट आप खर्च कर सकते हो, कितना अमाउंट तक जो है, तो इसी के बारे में बात करी गई है। जो लोकसभा पोल्स होंगे वहाँ पे जो है पहले 70 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते थे, लेकिन अब की यहाँ पर क्या होगा, जो ये मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना आप खर्च कर सकते हो कैंडिडेट के ऊपर, वो कितना खर्च कर सकते हो कैंडिडेट के ऊपर या फिर आप कैंपेनिंग के ऊपर, ये जो खर्च कर सकते हो वो 77 लाख, यानी कि पहले से बढ़ा दिया गया है। 10% जो है यहाँ पर बात करी गई है, ये बढ़ा दिया गया है 10% तक, यानी जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 70 लाख खर्च करे जाते थे, नाउ अब 77 लाख आप खर्च कर सकते हो। और असेंबली इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस में पहले जो है 28 लाख रुपए खर्च करे जाते थे, नाउ अब आप 30.80 लाख रुपीस खर्च कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया था। नाउ इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड द फोर्थ आर्टिकल, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, पता नहीं ये लोग कवर कर पाएंगे इस आर्टिकल को या नहीं, बहुत कोने से उठाया इस आर्टिकल को, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं, ये आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 1 में। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस आर्टिकल में, ये NAZCA लाइंस, हम लोग इसको NAZCA ही बोलेंगे। ओके, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये एक सिटी है बेसिकली, NAZCA ये एक सिटी है, कहाँ की? पेरू की, पेरू की एक सिटी है, फेमस सिटी है। वहाँ पर कुछ लाइंस वगैरह हैं, ये ऐसे करके हम लोग को ड्राइंग्स वगैरह दिखी हैं, ठीक है, ये डिस्कवर करी गई हैं। हालांकि अभी यहाँ पर सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड वगैरह हुआ है ये, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये NAZCA यहाँ पर है कहाँ पर, ठीक है। चलो, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मैप भी तैयार रखा है। अब इस मैप में हम लोग घुमाते हैं ग्लोब को। सबसे पहले आप लोग देखोगे, ये तो हो गया हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा इंडिया। अब इंडिया से थोड़ा सा हम इधर चलेंगे, ठीक है, यहाँ से बाहर मत निकल जाना है, कूद मत जाना, इधर ही चलेंगे, ठीक है। चलते हैं और ऐसे और इधर की साइड आते हैं, ये है हमारा NAZCA। नज़र आया? बिल्कुल आया होगा यार, इतनी स्क्रीन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, ये है हमारा NAZCA, ये हमारी जगह है, और ये जो रेड रेड लाइन दिख रहे हो उसके ये आसपास बनाया गया है, ठीक है। अब बिल्कुल उतर जाएं, लो यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक है। ये यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पे हम लोगों ने ये लाइंस वगैरह डिस्कवर करी हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइंस वगैरह हैं ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो ये NAZCA लाइंस हैं, मैंने अभी आपको पिक्चर में भी दिखाया, फिर से आप एक बार नज़र मार लो, देखो ये कैट भी बनी हुई है और काफ़ी सारे ऐसे करके लाइंस वगैरह बनी हुई है ना, इस पर नज़र मार लिया आपने। अब चलते हैं यहाँ पर, जो ये NAZCA लाइंस हैं, ये ग्रुप ऑफ वेरी लार्ज जियोग्लिफ्स हैं। जियोग्लिफ्स क्या होती हैं? आपको ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोग स्टोन वगैरह, कंकड़ वगैरह से जो है आर्टिंग वगैरह, अपनी आर्ट वगैरह करने लगते हैं, उसे हम कहते हैं ज्योग्लिफ्स, जो बड़े बड़े बनाते हैं हम लोग। तो बड़े बड़े ज्योग्लिफ्स बने हुए देखे हैं हमने NAZCA में, ठीक है। और ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये NAZCA? इस डेजर्ट में हम लोगों ने देखा है, सर्दन पेरू में, ठीक है, इसकी हमने बात कर ली थी। ये जो क्रिएट करेगा, यहाँ पे बात करी जा रही है, जो लाइंस वगैरह क्रिएट करी गई हैं 500 BCE से लेके 500 CE तक के टाइम के बीच में करी गई हैं। ओके, और उसी पत्थर वगैरह से जो है ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जो ज़्यादातर लाइंस हैं वो ऐसे सीधी सीधी लाइंस हैं, ठीक है, लैंडस्केप में। लेकिन बहुत सारे हम लोगों ने बड़े बड़े फिगर्स भी देखे हैं वहाँ पर, एनिमल्स और प्लांट्स के फिगर्स देखे हैं। यहाँ पर नाम भी बताया गया है कि यहाँ पर एंडियन कॉन्डोर्स, मंकी और हमिंग बर्ड्स, स्पाइडर्स, ऐसे ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर ये ड्राइंग्स वगैरह इन सब की भी देखी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम लोगों ने वहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स भी देखे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी बने हुए हैं, जैसे कि ट्राइंगल्स, ट्रेपेजॉइड्स, स्पाइरल्स, ऐसी ऐसी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स भी हैं। अब हम बात करें जो ये लाइंस हैं, जो हमने अभी लाइंस देखी हैं, इन्हें डिक्लेयर करा गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा 1994 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। ओके, तो हमने डिस्कवर नहीं करा एक तरीके से, हम मैंने अभी बोला आपके इसकी हमने डिस्कवर करा है, सर डिस्कवर नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही आप देखोगे 1994 में डिक्लेयर कर दिया गया है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो फिर ये डिस्कवर पहले हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है।
नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर बात हो रही है, पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक टाइम्स से इस आर्टिकल को लिया हमने, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंडर में। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल हमने अभी फुली टेस्ट कर लिया है। अब आपको पता होगा, देखो हम जो ये सुबह वाली डेली आईएएस एग्जाम डे उसकी वीडियो शो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर डेली आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी जो मिसाइल्स हैं वो टेस्ट हो चुकी हैं, तो उसमें से एक हमारी सेंट एंटी टैंक सेंट मिसाइल है ये, इसको भी लॉन्च जो है आप कह सकते हो उसकी जो टेस्टिंग वगैरह करी गई है और टेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। ये टेस्ट किसने कराया? डीआरडीओ ने, ठीक है। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप सब लोग मुझे बताओगे, ठीक है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। ओके, डीआरडीओ बेसिकली हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसकी पूरी की पूरी आप कह सकते हो कंडक्ट करता है, उसको पूरे के पूरे कंट्रोल करता है डिफेंस सिस्टम को हमारा डीआरडीओ। ये सारी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, मिसाइल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें डीआरडीओ हमारा बनाता है। ओके, तो इसके फुल फॉर्म सभी लोग बताओगे नीचे। अब यहाँ पर बात करें मिसाइल की, जो ये हमारी सेंट मिसाइल है, यहाँ पर ये लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च की इसकी कैपेबिलिटी है। और इससे पहले हमारे एक मिसाइल थी हेलिना मिसाइल, आप कह सकते हो उसका एक अपग्रेड वर्जन है, लेकिन जो हेलिना मिसाइल थी वो 7 to 8 kilometers की इसकी रेंज थी, लेकिन जो ये सेंट मिसाइल है इसकी 15 to 20 kilometers रेंज है, बस इतना याद रखो। लास्ट आर्टिकल पे आते हैं, यहाँ पे VTS और VTMS की बारे में बात हो रही है। यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है शिपिंग के, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया VTS और VTMS। VTS यहाँ पे एक इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर, यानी कि हमने अपने खुद के लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर खुद से हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कि सॉल्यूशन है वेसल ट्रैफिक सर्विसेज का, यानी जो शिप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वेसल्स क्या, जो बड़े बड़े शिप्स वगैरह होते हैं जो उनके ट्रैफिक्स को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, उनके ट्रैफिक्स को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि हाँ ज़्यादा यहाँ पे शिप्स वगैरह किस तरीके से वहाँ पे मेंटेन है, उनके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमने ये VTS और VTMS सिस्टम को बनाया है। वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग, नाम से समझ में आ गया होगा, जो शिप हैं उनके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमने ये VTS सिस्टम को बनाया है, ये सॉफ्टवेयर है। ओके, तो पहले हम लोग अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है और मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड वार्निंग्स वगैरह यहाँ पर होंगी, एक्सटेंसिव मैनेजमेंट होगा, यानी कि जो ट्रैफिक होगा पोर्ट पर, पोर्ट क्या होता है आपको पता होगा, जहाँ पर जैसे हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ पर जो जहाज होते हैं उनमें सामान लोड अनलोड होता है ना, और जो वाटरवेज होता है यहाँ पर भी जो है शिप्स वगैरह कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनका ट्रैफिक्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक होगा उनको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ये हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग VTS के बारे में बात कर लिया, VTMS को ज़रा देख लें हम लोग। VTMS जो है लॉन्च करा गया है, ये शोर बेस्ड टूल फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, यानी कि जो बिल्कुल जो हमारा समुद्र है उसमें एक सेफ्टी बनी रहेगी, कोई शिप्स एक दूसरे टकराएंगे नहीं, ठीक है, ट्रैफिक मेंटेन रहेगा, तो जो सेफ्टी बनी रहेगी। दूसरी चीज, इंस्टॉल्ड ऑल मेजर पोर्ट्स एंड नैरो पैसेजेस विद टेंस शिपिंग ट्रैफिक, यहाँ पर जो ये VTMS को इंस्टॉल करा जाएगा सारे बड़े बड़े पोर्ट्स के ऊपर, जो भी हमारे प्रसिद्ध पोर्ट्स हैं वहाँ पे सभी जगह पर इनको इंस्टॉल करा जाएगा, और जो नैरो पतले पतले पैसेजेस होंगे वहाँ पे भी इंस्टॉल करा जाएगा, ताकि वहाँ पे ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी, है ना। अब जो ये इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर है डेवलप करा गया है DGLL के द्वारा और NTCPWC के द्वारा, जो IIT चेन्नई में है उनके द्वारा इसको डेवलप करा गया है। ये सेल्फ रिलायंस और ह्यूज सेविंग इन फॉरेन एंड एक्सचेंज इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली आप समझ गए होंगे VTS और VTMS क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा समझा दिया और ये भी बता दिया कि किसने डेवलप करा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ उसी में ही बता दी पिक्चर में। ओके, तो ये आर्टिकल हमारा PIV से लिया गया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, तो इसी के साथ हुआ हमारा पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, साथ ही साथ एक दूसरे चैनल का लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सेकंड यूट्यूब चैनल है हमारा, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब करना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।